ब्रेग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेग समीकरण क्या है, किस प्रकार से क्रिस्टल एक्स किरणों का उत्सर्जित करते हैं और एक्स किरणों उत्सर्जित जब होती है तो उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ब्रेग समीकरण हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से हम क्रिस्टल की संरचना ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी बातें इस ब्रेग समीकरण में समझाने का प्रयास करेंगे। ब्रेग समीकरण के लिए वैज्ञानिक डब्ल्यू एच ब्रेग और उसके 24 वर्षीय पुत्र डब्ल्यू एल ब्रेग ने क्रिस्टलों द्वारा एक्सरे के विवर्तन का अध्ययन किया। किसका दिया, क्रिस्टल किस प्रकार से एक्स किरणों का डिफ्रैक्शन करते हैं, विवर्तन करते हैं, और उन्होंने एक सजेशन दिया, अगर जो क्रिस्टल है वो पारगमन ग्रेटिंग नहीं है, उसको पारगमन ग्रेटिंग नहीं मानना चाहिए जबकि वह रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग है। क्या है, पारगमन ग्रेटिंग नहीं है, रिफ्लेक्टिंग, पारगमन ग्रेटिंग न मानकर यह रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग के रूप में माना जाना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग मतलब जो क्रिस्टल होता है उसमें किरणें पारगमित नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती, उसमें जो उसके संरचनात्मक इकाई है अणु परमाणु आयन वो क्या करते हैं, आने वाले एक्स किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग माना जाना चाहिए, ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग नहीं मानना चाहिए। इसके लिए हम अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये एक कोई हमने डायग्राम बताया है, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक तल है, उसमें A1, A2, A3 तीन तल है, A1, A2, A3 क्रिस्टल जालक के तीन तल, किसी क्रिस्टल के जालक तल A1, A2, A3। AB एक किरण जालक तल A1 से टकराकर BC दिशा में उत्सर्जित हो जाती है। A और B ये मान लो कोई किरण है, एक्स किरण है, वो जालक तल A1 से टकराकर BC दिशा में उत्तेजित हो जाती, उत्सर्जित हो जाती, इमिटेड हो जाती है। एक अन्य किरण DE, डी और ई जो जालक में प्रवेश कर जालक तल A2 से टकराकर इसी दिशा में उत्सर्जित हो जाती, डी और ई वो जालक में प्रवेश कर, क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर तल A2 से टकराकर ई और सी दिशा में उत्सर्जित हो जाती। अब आप समझ गए, ए और बी किरण जालक तल A1 से टकराती और BC दिशा में उत्सर्जित हो जाती है, और दूसरी किरण D और E जो क्रिस्टल में प्रवेश कर जालक तल S2 से टकराकर EC दिशा में उत्सर्जित हो जाती। दो किरणें, ध्यान दीजिए ये दो किरणें जो किरणें हैं उस किरण ABC और DEC हमें कब दिखाई देगी, ये उत्सर्जित किरणें हमें कब दिखाई देगी, वो तभी दिखाई देगी जब इनके मध्य संपोषी व्यतिकरण हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण हो, तभी हमें ये रिफ्लेक्टिंग किरणें दिखाई देगी, वरना दिखाई नहीं देगी। अर्थात उत्सर्जित किरणों के मध्य पथांतर कितना हो, एन लैम्डा, पथांतर कितना होना चाहिए इन उत्सर्जित किरणों के मध्य, एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस, ये आवश्यक शर्त है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त है कि पथांतर उत्सर्जित किरणों का कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, तभी हमें दिखाई देगी, वरना हमें ये किरण दिखाई नहीं देगी, अंधकार दिखाई देगी। अब हमें इस पाथ डिफरेंस पथांतर की गणना करनी है, और पथांतर कितना है,
इसकी गणना करने के लिए जो बिंदु बी है, बिंदु बी ध्यान दीजिए, वो हमें तल ए थ्री पर एक लंब डालते हैं, बिंदु बी से ए थ्री तल पर बी जी लंब डालते हैं, बी और जी क्या डाला हमने, लंब डाला तल ए थ्री पर, कौन सा लंब, बी और जी तल ए थ्री पर ये लंब डाला है, और ई जी पर बी एफ लंब डालते हैं, ई और जी पर हमने कौन सा लंब डाला, बी और एफ, ठीक समझ गए कि नहीं, हमने दो लंब डाले, एक बी बिंदु से ए थ्री पर बी जी लंब डाला, बी बिंदु से ए थ्री तल पर बी जी लंब डाला, और ई और जी पर हमने एफ और बी लंब डाला, दो लंब डाले हमने, बी एफ पर लंब डालते हैं, ओके। क्रिस्टल किरण ए बी सी और डी सी ई के पथांतर क्या होंगे, अब पथांतर कैसे ज्ञात करेंगे, पास डिफरेंस किसके, ए बी सी और ए सॉरी डी ई सी दो किरणों के मध्य पथांतर की गणना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, पथांतर, पथांतर का चिन्ह डेल डेल्टा, अब ध्यान दीजिए, डी ई प्लस ई बी माइनस ए बी, डी ई प्लस ई बी, डी ई प्लस ई और बी, ये किरण है डी ई प्लस ई बी, इसमें से क्या घटा देंगे, माइनस ए बी, इनको घटा देंगे तो पथांतर आ जाएगा, इसको जोड़ो डी ई प्लस ई बी को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ माइनस ए और बी घटा दें तो पास डिफरेंस आ जाएगा। अब माना ए बी बराबर डी एफ, ए बी बराबर क्या है डी और एफ, ए बी बराबर डी एफ, तो डी एफ बराबर क्या हो गया डी ई प्लस ई एफ, ए बी बराबर डी एफ तो डी एफ बराबर होगा डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ इसके बराबर होगा डी एफ बराबर, तब ए बी का मान समीकरण एक में रखने पर, यह समीकरण एक है इसमें ए बी का मान रख देंगे, डी प्लस ई बी, ए बी किसके बराबर डी एफ के, और डी एफ किसके बराबर है डी प्लस ई एफ, क्लियर, हमने यहां ए बी का मान रख दिया क्योंकि ए बी डी एफ के बराबर है और डी एफ है डी प्लस ई एफ, तो डी प्लस ई एफ, तो डी से डी कट जाएगा, बचेगा ई बी माइनस ई एफ, ई बी माइनस ई एफ, ई बी माइनस ई एफ, जो ई और बी है वो ई जी के बराबर है, ध्यान दीजिए ई और बी किसके बराबर, ई और जी, ई बी बराबर ई जी, चूंकि ई बी बराबर ई जी तो हमने ई बी के स्थान पर रख दिया ई जी, ये रख इस ई जी रख दिया माइनस ई एफ, ई जी में से ई एफ घटाइए, ई जी में से ई एफ घटाएंगे तो एफ जी, ई जी में से ई एफ घटाएंगे तो एफ जी आ जाएगा, तो पथांतर बराबर एफ जी, क्लियर। अब एफ जी का मान ज्ञात करेंगे एक नए कोण, अब कोण बी एफ जी, बी एफ जी, बी एफ जी ये थीटा है ये आई है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ जी अपॉन बी जी, एफ जी अपॉन बी जी हो जाएगा, साइन थीटा बराबर
एफ जी, ये एफ और अपॉन बी जी, एफ जी बराबर बी जी साइन थीटा, बी जी साइन थीटा, बी जी क्या है टू डी, एक डी और ये टू डी, तो बी जी का मान होगा कितना एक डी और दूसरा डी तो टू डी, तो बी जी बराबर होगा टू डी, तो हम लिखते हैं एफ जी बराबर टू डी साइन थीटा, तो एफ जी बराबर क्या आ रहा है टू डी साइन थीटा। एफ जी क्या था पथांतर, एफ जी में पथांतर था तो हमने यहां पथांतर का चिन्ह लिख दिया पाथ डिफरेंस, तो एफ जी का मतलब पथांतर, तो पथांतर बराबर टू डी साइन थीटा, क्लियर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आवश्यक शर्त है कि पथांतर कितना हो एन लैम्बडा, कितना हो एन, एन का मतलब यहां एक दो तीन से, तभी हमें संपोषी व्युत्क्रम की आवश्यक शर्त को पूरा करेंगे, जब पथांतर बराबर एन लैम्बडा हो तो हम इस पथांतर के स्थान पर क्या रख देंगे एन लैम्बडा, तो एन लैम्बडा बराबर टू डी साइन थीटा, यही ब्रेग समीकरण, यही ब्रेग इक्वेशन है। कितने सिंपल ढंग से निकाला है, हर स्टूडेंट इसको आराम से निकाल सकते हैं डायग्राम बना के, ये साइन सॉरी आई है, ये थीटा है, इस तरह से डायग्राम बनाइए। अब यदि हम और आगे देखें तो डी बराबर एन लैम्बडा बराबर टू साइन थीटा, डी क्या है दालक तलों के बीच की दूरी, जब दालक तलों के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी तो हम उस क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जब हमें डी का मान ज्ञात हो जाएगा दालक तलों के मध्य की दूरी तो क्रिस्टल की संरचना का पता लगाया जा सकता है। तो ब्रेग समीकरण का उपयोग यहां क्या है, दालक तलों के मध्य दूरी ज्ञात कर क्रिस्टल संरचना का पता लगा सकते हम इस ब्रेग समीकरण की सहायता से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आते हैं, आईआईटी में भी आता है यह समीकरण एन लैम्बडा बराबर टू डी साइन थीटा, ब्रेग समीकरण को निकालिए, ये कॉलेज में भी पूछा जाता है, स्कूलों में पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से सिंपल ढंग से इसको निकाल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ब्रेग समीकरण। आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you.